हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एसएससी जेई के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स एसएससी जेई 2020 मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है 11 जनवरी 2021 को। तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। 2021 ईयर जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना सिलेक्शन लीजिए, फाइनल ज्वाइनिंग करिए, और जिन भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है वो और अच्छे से मेहनत करिए, और अच्छे से परफॉर्म करिए, और अभी आने वाला जो जेई 2020 है वो अच्छे तरीके से दीजिए, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए, और बहुत अच्छा आप स्कोर करिए। तो फ्रेंड्स, एसएससी जेई 2018 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया है, और मुझे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कि सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो अलॉट किया गया है। क्योंकि देखिए, जब आपका रैंक बहुत अच्छा आता है तब आपको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट और रीजन अलॉट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला प्रेफरेंस था सीपीडब्ल्यूडी, सेकेंड मैंने डाला था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसे हम MES बोलते हैं, और थर्ड हमारा जो मेरा प्रेफरेंस था वो क्वालिटी एश्योरेंस का था। तो मोस्टली जो स्टूडेंट टॉप के होते हैं उनका यही प्रेफरेंस रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूरी एंटायर जर्नी शेयर करना चाहूँगी, अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। उस स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। एसएससी जेई के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है और बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया गया है, मैंने खुद डिज़ाइन किया है टेस्ट सीरीज को, कुछ टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स, आप अटेम्प्ट करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना टेस्ट में स्कोर लाइए, रैंक लाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आएगा, कितने पॉजिटिव मार्क्स है, कितने नेगेटिव मार्क्स है, कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये सारा ही डिटेल्स आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा स्टोरी, कैसे कैसे मैंने शुरुआत किया और क्या क्या डिफिकल्टीज मुझे फेस करना पड़ा एंटायर जर्नी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप 2 स्टेज या 3 स्टेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं एसएससी जेई की स्पेसिफिकली बात करूं, तो 2 स्टेज प्रोसेस होता है, प्री होता है और मेंस होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये एक एंटायर जर्नी होती है जो आपको फेस करना होता है, क्योंकि 1 या 2 मंथ या 3 मंथ की बात नहीं होती है। कंप्लीट अगर आप देखेंगे 2019 से लेके 2021 में फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, यानी कि कंप्लीट 2 ईयर का प्रोसेस था ये। और इसमें आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंसफुली आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि प्री तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई रहता है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट से मेरा बात हुआ था, तो उन्होंने बताया कि प्री में तो बहुत अच्छा स्कोर किए, 150 प्लस उन्होंने अचीव किया, लेकिन जहाँ मेंस की बात आती है धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन होता है और उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती जितना मेंस में होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट से मेरा बात हुआ, उन्होंने 150 स्कोर किया प्री में, मेंस में उन्होंने 145 प्लस समथिंग कुछ अचीव किया था, यानी 150 अराउंड अचीव किया था 300 के आसपास, तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मेंस भी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जब तक वो एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो तब तक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, टिल योर लास्ट सिलेक्शन, टिल योर फाइनल सिलेक्शन तक आपको अच्छे से एक एक स्टेप को पूरा करना है। तो मेंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, किसके लिए, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, और रैंक डिसाइड करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता था, पहले तो इंटरव्यू होता था एसएससी में, तो इंटरव्यू से स्टूडेंट्स को कट किया जाता था, तो जिसका अच्छा प्रिपरेशन होता था इंटरव्यू में सेलेक्ट होता था। अब क्या होता है, अब 3 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किया जाता है डीवी के लिए, उसमें जिनका अच्छा मार्क्स होता है उनको फिर फाइनल सेलेक्ट किया जाता है फाइनली, और डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इतने अच्छे से आप अपना मेंस लिखिए ताकि आप फाइनल में ज़रूर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री हो गया, मेंस हो गया, लेकिन फाइनल ना हो।
तो फ्रेंड्स आप पूरे एक एंटायर जर्नी को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स देखिए स्टोरी अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी मेरे इस जर्नी में फ़ेस किया मैंने, जैसा कि और भी एग्ज़ाम्स थे, फेब 2019 में फॉर्म फिल किया गया था, उसके बाद सितंबर में जाके कहीं प्री पेपर हुआ था, तो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है फॉर्म फिल से लेके सितंबर, यानी कि बहुत ही काफ़ी महीनों का ड्यूरेशन था। उसमें आपको क्या करना है, आपको पूरी चीज़ें प्लान करते हुए चलनी है। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं एक या दो महीने पहले पढ़ लेंगे और हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या होता था, 2017 में जब मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था एसएससी जेई का, तो उस समय कट ऑफ करीबन 133 पॉइंट समथिंग गया हुआ था और मेरे मार्क्स 132 आए थे। तो उस समय क्या हुआ था, अनलकीली एसएससी ने पोस्ट भी बहुत कम कर दिया था। अगर मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के बात करूँ तो करीबन 55 सीटें थी उस समय, तो ज़्यादा सीटें नहीं होती है। अगर ऑल इंडिया बेसिस पे आप बात करें तो 55 सीटें बहुत ही कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का बहुत अच्छा तैयारी है तो ज़रूर वो 55 बच्चों में आया होगा। तो उस समय मुझसे मिस्टेक ये हो गया था कि मैं टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट नहीं करती थी, मतलब डायरेक्ट एक या दो टेस्ट सीरीज़ मैंने अटैम्प्ट किया था और उसके बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ गई थी। तो उस समय मेरे करीबन 132 समथिंग मार्क्स आए थे, तो एक या डेढ़ मार्क्स से मेरा रह गया था। अब वो एक या डेढ़ मार्क्स हो या आधा मार्क्स हो, सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको मिस्टेक जो सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं उन्होंने क्या मिस्टेक किया, उनके मिस्टेक से सीखें और अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि दूसरों के मिस्टेक से खुद चीज़ें अच्छा करना, इम्प्लीमेंट करना खुद के ऊपर। तो उस समय क्या हुआ, बहुत बुरा लगा कि 2017 में, क्योंकि तैयारी ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया था। तो उस समय बहुत फील हुआ कि यार अब तो हो जाना चाहिए। तो 2018 का मैंने ये ठान लिया था कि इस 2018 एसएससी जेई में मैं ज़रूर क्वालिफाई करूँगी बहुत ही अच्छा रैंक लेके, और अच्छा रैंक आया भी। तो स्टार्ट होती है, फिर वहाँ से मैंने और अच्छा अपना प्लानिंग करना शुरू किया, टेस्ट सीरीज देना मैंने शुरू किया। तो जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया उस दिन से फिर मैंने बहुत ही अच्छे से प्लान किया एक एक चीज़ें, और क्योंकि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम भी उसी समय था, जैसा कि आप सब जानते हैं आरआरबी का भी एग्ज़ाम उसी समय नोटिफिकेशन आया था उसी के आसपास। तो क्योंकि पेपर वन था तो पेपर वन पूरा नॉन टेक्निकल था, और एसएससी का पेपर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है, तो दोनों को चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल था, डिफ़िकल्टी था। क्योंकि अगर मैं टेक्निकल छोड़ती और सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़ती तो एसएससी जेई जाता, और सिर्फ टेक्निकल पढ़ती तो आरआरबी जेई जाता, और आरआरबी जेई मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था लेकिन कुछ पॉइंट से मेरा फाइनल्स में नहीं आया था। तो उस समय टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैं दोनों को लेकर के चलती थी, तो मैंने एक एक चीज़ को बांट दिया था। जैसे रीजनिंग मैंने दे दिया 2 घंटा मुझे रोज़ पढ़ना है, और एप्टीट्यूड मुझे 2 घंटा रोज़ पढ़ना है। GS GK क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था तो उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ करंट अफेयर मैं देख लिया करती थी। और उसके बाद जो जनरल साइंस था, जैसे कुछ फिजिक्स का पोर्शन भी आया हुआ था तो उसको मैंने 1 घंटा दे दिया था डेली का, और जितना फिर बचा हुआ टाइम था 3 से 4 घंटा उस पर मैं टेक्निकल पढ़ती थी। क्योंकि अगर टेक्निकल नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसा लगता है फ्रेश फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एसएससी जेई टारगेट था। तो इसीलिए चीज़ों को मैंने फिर अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लान करना शुरू किया, टाइम अलॉट करते गई कि जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको 1-1, 2-2 घंटा मैं रोज़, अब ये शेड्यूल बनता गया, रोज़ का टाइम टेबल होता गया मेरा। उसके बाद पेपर हुआ आरआरबी जेई का, मई में एग्ज़ाम था। और उस समय क्या हुआ था, उस समय मतलब मैं दिल्ली में रहती थी और भिलाई में मेरा पेपर था, तो 25 आवर्स का जर्नी करना पड़ा था, और उस समय टिकट कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर जैसे तैसे आना था, पेपर तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर मैंने क्या किया, वेटिंग लिस्ट में वेटिंग में बैठ गई, और जैसे तैसे एग्ज़ाम देना था तो आ गए, पहुँच गए। काफ़ी कड़क मतलब धूप था उस समय, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन था, बहुत ही ज़्यादा धूप। तो जैसे तैसे पहुँच गए और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, चले गए एग्ज़ाम देने, और लकली एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। उसके बाद मेंस का तैयारी करना था। अब मेंस में टेक्निकल था
पूरा टेक्निकल आता था और एसएससी जेई में भी प्योरली टेक्निकल था। तो फ्रेंड्स अब उस समय मेरे लिए आसान हो गया कि चीज़ों मोस्टली टेक्निकल पे फोकस करना। अब सितंबर में मेरा किसका पेपर था, एसएससी जेई प्री का पेपर था और आरआरबी जेई मेंस पेपर था। तो थोड़ा सा एक क्या हुआ, मतलब पैरेलली सब चीज़ें चलने लग गई, अच्छे तरीके से होने लग गया। उस समय फिर क्या हुआ था, जयपुर में मेरा आरआरबी का पेपर पड़ा था और भिलाई में एसएससी जेई का। तो फिर 10 दिन का डिफरेंस था करीबन, तो उस समय फिर जयपुर जाना, फिर जयपुर से वापस आना और फिर पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेरे कहने का फ्रेंड्स यही मतलब है कि कितना भी चाहे डिफ़िकल्टी हो, आपको पेपर नहीं छोड़ना है और अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी थी, टेस्ट सीरीज़ मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ था, तो डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। जैसे ही 3 दिन बाद पेपर था वापस आरआरबी के, तो उस चीज़ों को मैंने अच्छे से मैनेज किया और अच्छा स्कोर भी मैंने लेके आई प्री में, 150.65 मैंने अचीव किया और मुझे उस समय लग गया था कि हाँ मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो कुछ दिन रेस्ट करके एंजॉय करके उसके बाद मैंने मेंस का अपना प्रिपरेशन कर लिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, 29 दिसंबर को 2020 में एग्ज़ाम था मेंस का। तो मेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं कुछ मेंस के बारे में थोड़ा हाइलाइट्स करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जिन्होंने भी अभी एसएससी जेई 2019 दिया है और अच्छा स्कोर किया है प्री में, उनका मार्च में पेपर होने वाला है मेंस का, तो वो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए। और मेरा मेंस का वीडियो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी शेयर की गई है, क्या क्या चीज़ें ले जानी होती है, क्या क्या चीज़ आपको प्रिपरेशन में यूज़ करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया है। करीबन 1 आवर का वीडियो है, आप देखिए, आप बहुत ही यूज़फुल है। क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, कैसे हैंडराइटिंग होना चाहिए, सब पे बात की गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, मेंस जो है आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आप कितना टॉप में जाने वाले हैं सीनियोरिटी लिस्ट में, वो डिसाइड करेगा आपका मेंस पेपर। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, प्री में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कोई ज़्यादा ला सकता है आपसे, या थोड़ा बहुत 5 या 6 नंबर ही ऊपर होते हैं, लेकिन मेंस में आपको बहुत ही अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो मेंस पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। प्री अच्छा होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हैबिट होता है आपको, तो ऐसा लगता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़े। क्योंकि जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, गैप आ जाता है, तो लिखने का हैबिट चला जाता है आपका। तो उसी चीज़ को आपको बरकरार रखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल अगर आ रहे हैं तो आपसे श्योर वो न्यूमेरिकल बनना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, मोस्टली अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़रूर आपको 15 में 15 मिल सकता है या 1-8 नंबर कम हो सकता है। तो न्यूमेरिकल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और न्यूमेरिकल मेरा अच्छा था तो कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई, बट थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा ये रहता है, इसलिए मैं याद करना शुरू की और प्रैक्टिस करना और अपना एक खुद का नोट्स बनाती गई। सब्जेक्ट वाइज मैंने नोट्स बनाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। कोचिंग सेंटर का आप ले सकते हैं नोट्स उठाइए, या फिर अगर प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप उसको उठाइए, अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन हैंडराइटिंग में एक नोट्स प्रिपेयर करिए। मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया था, क्योंकि डायग्राम होता है, देखिए अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं या मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम होता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और अगर आप मशीन पढ़ रहे हैं तो मशीन में भी बहुत सारे मशीन्स होते हैं, उसका आपको प्रॉपर डायग्राम याद होना चाहिए। तो उस चीज़ का आप खुद नोट्स बनाइए, ये मिस्टेक मत करिए, क्योंकि कई बार होता है हम बुक से पढ़ लेते हैं फिर रिविज़न करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। जैसे आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही वास्ट रहता है सिलेबस, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड है। उस चीज़ को आप बहुत अच्छा एनहेंस करिए अपने टेक्निकल स्किल को, और आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन एक पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में। देखिए, लिखने का सवाल नहीं, आप 2 घंटे में कितना अच्छा लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 300 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटा आपको अलॉट किया जाता है, उसमें आपको सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, वो इम्पॉर्टेंट है।
तो आप 2 घंटे में कितने अच्छे से लिखते हैं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद आप कितने अच्छे से उस सब पूरे चीज़ों को मैनेज करते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करती थी, बहुत मैंने 3-4 महीने बहुत अच्छे तरीके से टोटली एसएससी जेई मेंस के लिए मैंने फोकस किया, क्योंकि और एग्ज़ाम्स थे, कोल इंडिया का एग्ज़ाम्स था लेकिन वो बाद में था और मुझे पता था कि मेरा मेंस बहुत अच्छा है आंसर राइटिंग, तो उस चीज़ पे मैं फोकस करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया और मेंस में मेरे मार्क्स आए 245 आउट ऑफ 300, जो कि अच्छा स्कोर माना जाता है। और फाइनल सिलेक्शन में ये काफ़ी हेल्पफुल था मेरा रैंक के लिए, क्योंकि 15th रैंक अगर मेरा मेंस नहीं आता तो हो सकता है मेरा रैंक और ऊपर चला जाता और मुझे डिपार्टमेंट अच्छा ना मिलता। तो फ्रेंड्स आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से फोकस रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं क्योंकि ज़्यादा जोर डाल रही हूँ क्योंकि रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि कितना मेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जर्नी देखिए यहीं ख़त्म नहीं हुई, अच्छे से मैंने पूरा 4 या 5 मंथ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया था। उसके बीच में हर्डल्स क्या क्या आते हैं देखिए ये मैं बताऊँगी। कभी किसी का तबीयत ख़राब हो जाता था, हो जाता है जनरली किसी का भी, या फिर कभी किसी का बर्थडे पार्टी आ जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ को आपको साइड रखना है और एंटायर जर्नी को इन्जॉय करते हुए अपना प्रिपरेशन करना है। उसके बाद एग्ज़ाम था फाइनली 26 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम होने वाला था मेंस का। पूरे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए कौन सा कैलकुलेटर आपको लेके जाना चाहिए, कौन सा नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप जोन वाइज रीजन वाइज कई बार नहीं अलाउड करते हैं, तो आप बैकअप के लिए दोनों कैलकुलेटर यूज़ करिए, एमएस और ईएस वाला, दोनों पे आपका कमांड होना चाहिए प्रॉपर। मैं दोनों ही कैलकुलेटर लेके गई थी क्योंकि मैंने ऐसा सुना था ईएस कैलकुलेटर जो एडवांस वाला रहता है वो अलाउ नहीं किया जाता है, तो मैं बैकअप के लिए दोनों कैलकुलेटर रखी थी क्योंकि वहाँ उस समय हमें पैनिक नहीं होना है, बहुत अच्छे से अपना मेंस का पेपर लिखना है। और अगर आपको मेंस का भी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलता है कहीं कोचिंग सेंटर से तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ इज़ अ की फैक्टर टू डिसाइड योर फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि उसमें टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, पूरा पेपर मैंने एंटायर एक एक सब्जेक्ट का अच्छे से नोट्स बनाया, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया। देखिए रिवीजन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं, सब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर लगता है हो गया सब कुछ आता है। लेकिन स्टूडेंट का दिक्कत ये होता है फ्रेंड्स कि वीक पॉइंट पे वो फोकस नहीं करते हैं। वीक पॉइंट पे क्या होता है, अगर आपका कोई पोर्शन वीक है अगर आप उस पर वर्कआउट नहीं करेंगे तो वीक है तो वीक ही रह जाएगा और स्ट्रॉन्ग वाला और स्ट्रांग होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके वीक पॉइंट या वीकेस्ट पॉइंट है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप वीक पॉइंट ठीक नहीं किए, अगर नहीं उसको करेक्ट किए हैं तो अगर फाइनल में वो क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आप उसको नहीं अटैम्प्ट करने वाले हैं, और अगर वो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है कि आपको अटैम्प्ट करना ही है तो आप उसको छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे पहले आपको मैं टिप्स दे रही हूँ, अगर मैं 5 टिप्स देना चाहूँ, सबसे पहला टिप्स यही है कि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए गेट का सिलेबस और आईएएस का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, पढ़ना होता है जो कि एसएससी में नहीं पढ़ना होता है, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम एसएससी में नहीं आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है, सिग्नल सिस्टम नहीं आता है, मैथमेटिक्स नहीं आता है, और एक आध सब्जेक्ट है EMFT, ये सब नहीं आता है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, रैंडमली सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिलेबस को सबसे पहले गो थ्रू करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सिलेबस देखिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेम्प्ट करिए। टेस्ट सीरीज़ क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रही थी, उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बताया कि ऐसा ऐसा प्रिपरेशन चल रहा है, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गए हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद देंगे, तो ये गलती मिस्टेक कर रहे थे वो। मैंने कहा सब्जेक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, देखिए अगर आप एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तब भी किसी का पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म नहीं होता है, तो आप सब्जेक्ट ख़त्म करिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाइए, एंड ऐसे करते करते आप टेस्ट सीरीज एटलीस्ट वीक में 2 टेस्ट सीरीज ज़रूर अटैम्प्ट करिए, ये मिस्टेक आप मत करिएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज का फ्रेंड्स एनालिसिस ज़रूर करिए, टेस्ट सीरीज़ दे देना और काम ख़त्म नहीं होता है, टेस्ट सीरीज़ में आपको देखना है
आपका वीक पॉइंट कौन सा है, निगेटिव मार्क्स कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव मार्क्स कितने बन रहे हैं और आपका ओवरऑल रैंक कितना आ रहा है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपका फाइनल्स में कितना ओवरऑल रैंक आने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो फ्रेंड्स, मैं प्री देख के मुझे अंदाज़ा लग गया था कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, और मेंस का पेपर देके मुझे ये पता चल गया था कि मेरा अंडर 20 रैंक ज़रूर आएगा। तो इस तरीके का आपको एक गैस पता चल जाना चाहिए कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, इतना रैंक आएगा, उस तरीके का आपको प्रिपरेशन करना है। तो यही है कि आप टेस्ट का एनालिसिस फ्रेंड्स ज़रूर करिए। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ फ्रेंड, तो फोर्थ पॉइंट में आपको ये करना है, आपके जितने भी वीक पॉइंट है, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उस पर ज़्यादा वर्कआउट करिए और उस चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर वीक है तो वो वीक रह जाता है, एट द एंड ऑफ द डे ऑफ एग्जामिनेशन वीक ही रहता है, और स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग होते जाएगा। तो ऑलरेडी जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करके क्या करेंगे, वो तो अगर याद है तो अगर 6 महीने बाद भी आप पढ़ रहे हैं तो वो याद ही रहेगा। तो वीक पॉइंट पर आप फोकस करिए, खास करके आप प्री के लिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जितने भी आपको अगर लगता है ये फॉर्मूला आपसे याद नहीं होने वाला है, उसको आप एक A4 साइज के शीट में लिख लीजिए बहुत, और अंडरलाइन कर लीजिए और अपने दीवार में चिपका दीजिए या कहीं भी वॉल में आप पेस्ट कर लीजिए। आप रोज़ उस चीज़ को देखेंगे तो ज़रूर वो एक दिन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिविज़न करना। रिविज़न करना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैं भी ये मिस्टेक करती थी, जो पढ़ लिया वो ऐसा लगता था याद रह जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको फ्रिक्वेंट डेली वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करना होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। जो आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं उसको आपको वहीं नहीं छोड़ देना, उसको आपको वीकली, जैसे संडे को आपने उठाया और उस चीज़ को रिवाइज कर लिया। ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, रिवीजन नहीं करने पे ऐसा लगता है कि हो चुका है सब कुछ, सीधे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर आप देखिए प्री के लिए फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 3 या 4 पेज का एक शॉर्ट नोट बनाना है। आप अपने ओन हैंडराइटिंग में कुछ कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको लगता है ये रियली वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर नॉन टेक्निकल के फ्रेंड्स में बात करूं तो नॉन टेक्निकल स्टार्टिंग में मेरा उतना नहीं था स्ट्रांग, धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को स्ट्रांग बनाया है, और वो कैसे आता है, प्रैक्टिस में आता है। तो प्रैक्टिस करके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती गई मैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा होते गया मेरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका नॉन टेक उतना अच्छा नहीं होता है। GS में इवन अभी भी स्टूडेंट लोगों को डर लगता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे कैसे नहीं। तो GS एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स कि आपको मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाना है। ऐसा आप सोचेंगे कि मैं हिस्ट्री 2 से 3 दिन में पूरा ख़त्म कर दूं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी पर्टिकुलर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के लिए और करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर में फ्रेंड्स मैं क्या करती थी, मैं उठाती थी वीकली पहले पढ़ लिया करती थी मैं, उसके बाद एक मंथली कंपाइलेशन आता है, तो वो चीज़ मैंने किया था और काफ़ी हेल्पफुल हुआ था मेरे लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने नोट्स बनाया था, बहुत अच्छे से कैलकुलेटर में मेरा कमांड था, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ था, 29 दिसंबर को पेपर था, और अनलकली क्या हुआ कि मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर कर गई 26 दिसंबर को, यानी एग्ज़ाम के 3 दिन पहले। तो देखिए ऐसा कुछ होता रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन लास्ट डे एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले ऐसा कुछ हो गया था, और आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो थोड़ा सा था, आप सब समझ सकते हैं कि कैसा माहौल हो जाता है घर पे, और उसके बाद इन सब चीज़ों को मैनेज करना था। एग्जामिनेशन हुआ था रायपुर में, तो अब थोड़ा सा सैडनेस तो रहता ही है, तो था थोड़ा सा एनवायरनमेंट घर का ऐसा हो चुका था, क्योंकि स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, तो क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई और क्या स्टूडेंट्स को फेस हो सकती है ये सब बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिनके घर में कोई इशू हो गया या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो उन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, हमें एक साइड करना है, क्योंकि देखिए प्री क्वालिफाई हुआ है तो आपको मेंस देना ही है, और वो भी अच्छा स्कोर करना है।
तो अब जैसे तैसे था, ऐसा लगा कि यार छोड़ दे, कई बार पेपर तो लगता है छोड़ दो, दूसरी बार देंगे फिर। लेकिन फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है। और इवन अभी भी मैं सब फैमिली से बोलना चाहूँगी कि अगर बहुत अच्छा चल रहा है आपके बच्चे का प्रिपरेशन, या फिर उन्हें फाइनेंशियल या फिर कोई भी इशू से दूर रखिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो, तो उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर आपका है पेपर, परफॉर्म करना है तो करना है। तो मैंने भी किया था, गई थी एग्जामिनेशन सेंटर में, मन थोड़ा सा दुखी तो था, लेकिन फिर उसके बाद मैं भूल गई कि कुछ हुआ ऐसा। पेपर दी और पेपर पे फोकस थी पूरा, अच्छे से सब कुछ मैंने ध्यान दे दिया था कि क्या 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 लेके जाना है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो उस पर्टिकुलर टू ड्यूरेशन में कुछ भी ध्यान नहीं था, सिर्फ पेपर लिखना है, और ऐसा ही होना चाहिए। आपको इधर उधर चीज़ों पे नहीं फोकस करना है, अपने पेपर पे फोकस करना है। बहुत अच्छा मैंने अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि आपको पता चल जाता है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बताते हैं, रिव्यू देते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्योंकि आपको पेपर मिलता है तो आप खुद देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स लगभग आने वाले हैं। तो इसी तरीके से मैंने भी कुछ किया था, तो मुझे पता चल गया था कि हाँ पेपर अच्छा गया है, अच्छा आया भी था पेपर। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे, तो वीक पॉइंट्स वगैरह था, जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट में कुछ म्यूचुअल इंडक्शन का थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी आती थी, और उस चीज़ को मैंने वर्कआउट किया था। और फाइनल्स में उस टाइप का क्वेश्चन फंसा भी था मेरे एग्जामिनेशन में, और सॉल्व किया था मैंने। तो ओवरऑल जो पेपर था काफ़ी अच्छा था, थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल, फ्रेंड्स दोनों पे फोकस आपको करना पड़ता है, बैलेंस लेके चलिए आप, अच्छे तरीके से देखिए। क्योंकि कई स्टूडेंट होता है सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, थ्योरी याद करने का कोशिश नहीं करते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए एग्जामिनेशन तो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है आपका पेपर, थ्योरी भी दे सकता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों पे एक बैलेंस लेके चलना है। क्योंकि देखिए थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत होगी, न्यूमेरिकल आपसे नहीं बना तो एटलीस्ट थ्योरी तो लिख पाएंगे। तो इस टाइप का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन दिया मैंने, फाइनली रिजल्ट आया, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो रिजल्ट अप्रैल में आने वाला था 2020 में, बट डिले होते 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 11 सितंबर को रिजल्ट आया। देखिए फ्रेंड्स, ये एक एंटायर जर्नी है जो आपको बहुत ही पेशेंसफुली आपको निभाना है। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस डेट से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, और जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, ये एंटायर जर्नी होगी आपके लिए। ऐसा नहीं कर सकते आप जंप कर दिए, पहले टेक्निकल पढ़ रहे थे एसएससी जेई के लिए, अब उसके बाद बहुत डिले हो रहा है एग्जामिनेशन के लिए, क्या करें क्या नहीं करें, तो आप दूसरे नॉन टेक्निकल पे फोकस कर रहे हैं। आप सीजीएल भी दे रहे हैं, आप एमटीएस भी दे रहे हैं, आप सीएचएसएल भी दे रहे हैं। आप अपने आप को खुद समझिए कि आप किस पे अच्छा कमांड है आपका। अगर टेक्निकल पे आप फोकस कर रहे हैं तो टेक्निकल पे रहिए, एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप एग्ज़ाम मत दीजिए, बट आपके लिए एक लक्ष्य की तरह होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन लेना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर जितने भी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है सिलेक्शन 2018 में, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका तैयारी तो बहुत अच्छा है तभी आप फाइनल्स में गए हैं। अनलकीली एक दो नंबर से रह जाता है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से है, सिर्फ आपको क्या करना है उसको और थोड़ा नरिश करना है, पॉलिश करना है, और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छे तरीके से बिल्डअप करना है। और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अभी भी अटैम्प्ट करना है। टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करेंगे तो जो आपका रह गया था पिछली बार वो आपका थोड़ा और एनहेंस हो जाएगा। और मेंस में अगर जिनके मार्क्स कम थे, आपको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है मेंस का पेपर भी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेन रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आ चुका है प्री का 2019 का, सॉरी रिजल्ट नहीं आया है, मार्क्स आ चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कट ऑफ एक्सपेक्टेड देख लीजिएगा कितना आने वाला है अभी के हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ डे बाय डे क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो कम होने के चांसेस तो बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं बहुत। और देखिए 2019 में वैकेंसी बहुत कम आया था, तो ऐसा हो सकता है कि 2020 में काफ़ी अच्छा वैकेंसी आए, जैसे 2018 का वैकेंसी अच्छा खासा वैकेंसी था, 1840 वैकेंसी फिल किए गए हैं, तो इसी तरीके का हो सकता है जेई 2020 में अच्छा खासा वैकेंसी हो। तो फ्रेंड्स अभी देखिए जनवरी चल रहा है, मार्च में पेपर है, तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास,
इस 2 महीने के ड्यूरेशन को आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, प्रॉपर प्लान करना है। और जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेंस और प्री दोनों के लिए तैयार रखिए, क्योंकि सिर्फ 2019 का मेंस अटेम्प्ट करना नहीं है, आपको 2020 का प्री भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये मत समझ के चलिए कि फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना पूरा एंटायर एक जर्नी है उसको इंजॉय करिए, नोट्स बनाइए और देखिए कहाँ कहाँ आपका आप लैग कर रहे हैं और वीक पॉइंट क्या है। उसके बाद अगेन मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट करिए बहुत अच्छे तरीके से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक करिए लीजिए, काफ़ी रिजनेबल है प्राइस, और देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि किस तरीके का क्वेश्चन आपका आया हुआ है उस तरीके का क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है क्वेश्चन पेपर, तो आप देखिए बहुत अच्छे से तरीके इंजॉय करिए, एकदम आपको सुपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स सिंक्रोनस मशीन जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इंडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देखते रहिए बहुत अच्छे तरीके से वीडियो। और मेरा यही कहना है कि जितने भी वीडियोस हैं फ्रेंड्स, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत अच्छे तरीके जितना सिलेबस है, जैसा पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेक्चर्स लेती हूँ, अच्छे से पढ़ाती हूँ, ताकि स्टूडेंट को इधर या उधर बुक से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। MCQs क्वेश्चन जितने भी मैं कराती हूँ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो मोर देन सफिशियंट होता है। तो फ्रेंड्स आपको एक एक सीक्वेंस अच्छे तरीके से देखना है, जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। टॉपिक अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक का पढ़ा रही हूँ तो उतना आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर मैं बात करूँगी तो वो मेंस और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ अगर आप प्री पढ़ रहे हैं मेंस के लिए नहीं फोकस कर रहे तो वो ठीक नहीं होता है, एक साथ दोनों का प्रिपरेशन करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कोई भी। फिर से देखिए, मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट को जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी कि वो अब 2020 के लिए अच्छे से पढ़े और भी अच्छा रैंक लाएं और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें, एनहेंस करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।